हे गाइस, मैं हूँ शौर्य सत्यार्थ और हम में से बहुत सारे लोग अक्सर मोबाइल में ओपन वर्ल्ड गेम्स की तलाश में हमेशा रहते ही हैं। उन्हें कोई ना कोई ओपन वर्ल्ड गेम खेलना ही होता है अपने मोबाइल में। एंड या उनके डिमांड को पूरा करने के लिए मोबाइल पे हर साल बहुत सारे ओपन वर्ल्ड गेम्स रिलीज भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शायद आपको मोबाइल पे ऐसे हजारों ओपन वर्ल्ड गेम्स मिल जाएंगे जो सो कॉल्ड अपने आप को बेस्ट क्लेम करते हैं, बट उनमें से एक्चुअली में बेस्ट कौन से हैं? वेल, इस वीडियो में हम उन्हीं टॉप 10 गेम्स के बारे में बात करेंगे जो अब तक के मोबाइल के बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम रहे हैं। एंड बाय चांस अगर आपने ये गेम्स नहीं खेले हैं अपने मोबाइल पे तो क्या कर रहे हो? आपको ओपन वर्ल्ड गेम की तलाश थी ना, तो ये गेम्स जाके खेलना जरूर। एंड या हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे गेम या शायद सारे गेम आपने खेल रखे होंगे, तो मेरे इस वीडियो की रैंकिंग पे जरा नजर मारिएगा और अपने हिसाब से भी इस वीडियो को रैंक कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 10, गोट सिमुलेटर। हाँ, इस वीडियो में हम टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम की बात कर रहे हैं, तो गोट सिमुलेटर का नाम कैसे नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल पे बहुत सारे गेम्स ये भूल जाते हैं कि उन्हें अपने प्लेयर्स को ऐसा गेम भी प्रोवाइड कराना है जो फन एंड अट्रैक्टिव होने के साथ साथ डम भी हो। लाइक उसमें लोग कैजुअली अपना टाइम दे पाए, ना ज्यादा सीरियस ना कुछ, बस कैजुअल फन। एंड ये गेम उसी चीज को परफेक्टली अपने ऑडियंस तक डिलीवर करता है। एंड मोबाइल के हिसाब से ये गेम वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम है मेरे हिसाब से। वेल, जब ये गेम स्टार्टिंग में आया था तब ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं था और प्लेएबल भी नहीं था, लोग इसको खेल ही नहीं सकते थे, लेकिन आज के डेट में ये गेम काफी ज्यादा अच्छा है। तो इस गेम को जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। नंबर 9, स्काई चिल्ड्रन ऑफ लाइट। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस गेम के बारे में जानते भी ना हो, बट लेट मी टेल यू, इसको गेम स्पॉट एंड IGN ने 8 and 8.5 की रेटिंग दी है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है। वेल, अगर आप रेटिंग के ऊपर ज्यादा नहीं जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए, ये गेम आपको मोबाइल के हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्राफिक प्रोवाइड कराता है। एंड गाइज, बेसिकली ये गेम फेमस हुआ था निंटेंडो में, बट इसको iOS एंड एंड्रॉइड के लिए भी 18 जुलाई 2019 में रिलीज किया गया था। वेल, इसका कॉन्सेप्ट ही बड़ा यूनिक है। इसमें बेसिकली आप इनकाउंटर करोगे 99 चिल्ड्रन से, और हाँ, एक चाइल्ड आप भी हो, यानी कि टोटल 100 चिल्ड्रन। और जैसे जैसे आप गेम में उन चिल्ड्रन से इनकाउंटर करोगे तो आपका केप धीरे धीरे ग्लो करने लगेगा, और जितना केप ग्लो करेगा आप उतना ज्यादा हवा में ऊपर तक उड़ोगे और आप इसके ओपन वर्ल्ड को उतना ही ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। वेल, मुझे इस गेम के बारे में ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपको इसे खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहिए। नंबर 8, स्टारड्यू वैली। वेल, मुझे इस गेम के बारे में काफी टाइम से बात करना था। स्टारड्यू वैली, इस गेम को बहुत ही अमेजिंग रेटिंग मिली है ऑनलाइन। वेल, ये एक सिमुलेशन रोल प्लेइंग वीडियो गेम है डेवलप्ड बाय एरिक। और गाइस, इसके लुक पर बेसिकली आप मत जाइए क्योंकि ये गेम एक्चुअली में PC पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और ये मोबाइल पे भी अवेलेबल है, तो इसको आप लिटरली में एंजॉय कर सकते हो मोबाइल फोन पे। और जैसा कि मैंने कहा, इसके लुक पे मत जाइए, ये गेम बेसिकली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रोल प्लेइंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराता है। अब जाहिर सी बात है, ये क्या यूनिक चीज प्रोवाइड कराती है उसके बारे में तो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो इसको आप खुद ही एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको स्टोरी गेम पसंद है तो ये आपके लिए है, लेकिन अगर आपको स्टोरी गेम पसंद नहीं है तो स्किप कीजिए, स्किप। नंबर 7, पोकेमॉन गो। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पोकेमॉन गो तो ओपन वर्ल्ड नहीं है, वो तो एक तरीके का वीडियो गेम भी नहीं है। वेल, पोकेमॉन गो जिस जॉनरा में आता है उसको हम ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स के नाम से जानते हैं, या ये एक ओपन वर्ल्ड कैटेगरी में ही आता है, जैसे कि माइनक्राफ्ट अर्थ, पोकेमॉन गो एक्सेट्रा। एंड या पोकेमॉन गो मोबाइल पे लोगों का ऑल टाइम फेवरेट गेम रहा है एंड वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल फोन गेम भी रहा है। पोकेमॉन गो आई गेस वो पहला ऐसा गेम था, या कहें पहला वो बड़ा गेम था जिसने मोबाइल फोन पे ऑगमेंटेड रियलिटी को इंट्रोड्यूस कराया था। और गाइस, बहुत सारे लोग तो इसे गेम पे नहीं मानते हैं, गेम से बढ़ के मानते हैं। वेल, वो सारी चीजें तो बकवास है, लेकिन या यू शुड ट्राई दिस गेम अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वेल, एनीवे। नंबर 6, डोंट स्टार्व एंड डोंट स्टार्व टुगेदर। वेल, सेम स्टारड्यू वैली की तरह ही ये दोनों गेम भी PC पे काफी ज्यादा फेमस हुए थे। एंड यस, स्टीम पे मैंने और मेरे फ्रेंड ने इस गेम को काफी ज्यादा एंजॉय किया था। एंड गाइस, सीरियसली, जब मैंने ये सुना कि ये गेम मोबाइल पे भी है तो मैं बिलीव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इसकी ग्राफिक बहुत ज्यादा है एक्सेट्रा, लेकिन ये गेम तो मैंने PC पे एंजॉय किया था एंड मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसे मोबाइल पे भी कभी देख पाऊंगा। लेकिन गाइस, सीरियसली, अगर ये गेम मोबाइल पे है, जो कि है, तो आप इसे
सीरियसली अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम सीरियसली काफी ज्यादा अच्छा है, नो डाउट। जैसे कि मैंने कहा, लुक पे मत जाइए, इसकी ग्राफिक ही ऐसी है ताकि आपको थोड़ा स्केरी लुक मिले। वेल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो है ओशियनहॉर्न। अब गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस गेम को बहुत ज्यादा नहीं खेला है, लेकिन बहुत पहले मुझे लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड खेलने का काफी ज्यादा मन कर रहा था। उस वक्त मैं लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा खेल तो नहीं पाया था, बट मैंने उसी गेम के लिए इस गेम को जरूर ट्राई किया। और सीरियसली, मुझे लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड की फीलिंग तो नहीं आई, बट इस गेम ने मुझे एक अलग तरीके से मजा दिया मोबाइल पे, क्योंकि हाँ, ये गेम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराता है मोबाइल गेम्स के बीच में। इसका ओपन वर्ल्ड एंड कंट्रोलिंग सिस्टम काफी ज्यादा अलग है, और हाँ, इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। सीरियसली, इस गेम को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए मोबाइल पे, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। वेल, अगर आप लोग मोबाइल पे ओपन वर्ल्ड गेम के बारे में सर्च मारते रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपने इसे ट्राई कर ही लिया होगा। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मोबाइल गेम है आज की डेट तक। वेल, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। अब गाइस, आर्क का नाम किसने नहीं सुना होगा, ये एपिक गेम से बहुत ज्यादा फेमस है, यप, पीसी पर, लेकिन उसका एक मोबाइल वर्जन भी है। और गाइस, अगर आप लोगों ने किसी स्ट्रीमर या यूट्यूबर को आर्क को खेलते हुए देखा होगा तो आप जानते हैं कि ये क्या गेम है। इस गेम की खास बात यही है कि इस गेम ने आपको एनवायरमेंटल काफी ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि जंगल एक्चुअल में खतरनाक है, ओशन में आपको मिस्ट्रीज मिलेंगी, एंड आप इसमें ऑलमोस्ट एनवायरमेंट का किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो अपने एडवांटेज एंड सर्वाइवल के लिए। वेल, इसको बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव भी खेलते हैं, तो अगर आपको आर्क खेलना है तो या ये गेम भी मोबाइल का अब तक का वन ऑफ दी बेस्ट गेम रहा है, क्योंकि आर्क अपने आप में ही एक नाम है, और वो नाम मोबाइल फोन पे एंजॉय करना अपने आप में ही एक लेजेंडरी मोमेंट है, राइट। वेल, बढ़ते हैं अपने इस लिस्ट के टॉप 3 गेम की तरफ जो है GTA सीरीज। विदाउट एनी डाउट, GTA सीरीज एक लेजेंडरी सीरीज है। हमने इस गेम को हर जगह मोबाइल, PS, फोन, हर जगह एंजॉय किया है। और गाइस, या डेफिनेटली GTA सीरीज को तो इस लिस्ट में आना ही था, क्योंकि ये गेम मोबाइल फोन पे एक रेवोल्यूशन लेके आया था। हाँ, हालांकि इसको ज्यादातर लोग खरीद के नहीं खेलते हैं, मोबाइल पे पायरेट करके खेलते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल पे तो है ना। और या मोबाइल पे GTA सीरीज बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि जो लोग भी PC अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, PC उतना एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उनको भी GTA सीरीज खेलने का मौका मिला। अब कमेंट सेक्शन में ये मत कहिएगा कि शौर्य भाई GTA 5 मोबाइल पे कब आएगा। मैं गोली मार दूंगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो है Genshin Impact। हाँ, अब गाइस, वेट, अब आप लोग ये मत बोलने लगना कि ये Genshin Impact नहीं, Genshit Impact है। मैं तब भी आपको गोली मार दूंगा, क्योंकि ये गेम मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, और मैं इसे लिटरली रोज खेलता हूँ आज भी, और पिछले एक साल से खेल रहा हूँ। हाँ, इसका स्टोरी मोड काफी ज्यादा मीडियोकर है, बट जो चीज इस गेम को अलग बनाती है वो है इसका ओपन वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिकली लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड से इंस्पायर्ड होके बनाया गया है, बट अपने ही एक ओन वे एंड मेथड से। ट्रस्ट मी, इस गेम में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा जब आप इस गेम को ऑलरेडी 30 या 40 घंटे खेल लोगे, क्योंकि तभी आपको थोड़ी कॉम्पिटेटिव नेचर की चीजें देखने को मिलेंगी। वेल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इस गेम को खेल लीजिए, गेम अच्छा है। एंड या, अब हम इस लिस्ट के नंबर 1 गेम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डेफिनेटली माइनक्राफ्ट। नो सरप्राइज, माइनक्राफ्ट सिर्फ मोबाइल का ही नहीं, बल्कि इस पूरे गेमिंग वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग माइनक्राफ्ट को पसंद नहीं करते हैं, और मैं भी नहीं करता था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ये गेम अपने आप में एक अलग फन लेके आता है। इस गेम को मैं पर्सनली कैजुअली ही खेलता हूँ कभी कभी, और आज भी खेलता हूँ। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, मेरे पास PC है, मैं PC पे खेलता भी हूँ, बट मैं मोबाइल पे भी कभी कभी खेल लेता हूँ, जैसे कि जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या बाहर हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ मेरे दोस्त हैं जो मोबाइल फोन पे ही खेलते हैं, एंड उनके साथ कोऑप करने के लिए कौन इतना झंझट वाले PC से खोलने का। जैसे कि मैंने कहा, ये गेम कैजुअल गेम है, इसको मोबाइल फोन पे एंजॉय करना अपने आप में ही एक बेस्ट बात है, राइट। वेल, अगर आपको इस लिस्ट से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और आपको क्या ख्याल है कि इस लिस्ट में और कौन से गेम्स आने चाहिए थे, वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है मैं फ्यूचर में इस लिस्ट को थोड़ा अपडेट वगैरह करूं। वेल, अब फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हाँ, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।